global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. आपने सवाल मुझसे पूछा क्योंकि मैं तो सिर्फ अदाकारा हूँ. मुझे अदाकारा बनाने के लिए इस गाने का पूरा क्रिएटिव जो है वो ये है. हमारे डायरेक्टर साहब, इट इज़ हिज ब्रेन बेबी, माय किंग. दैट इज़ हिज किंग. नहीं, इट इज़ माय किंग विच यू इनकॉर्पोरेटेड इन अ वीडियो. पर इतना हॉट गाना तो सब बनाते हैं यार. थोड़ा सा हट के थोड़ा बोल्ड है फॉर श्योर. और थ्रीसम किंग पे है जो हो रहा है आज. थ्रीसम्स आई थिंक सबका किंक होगा ना. किसी ना किसी को तो होगा ऐसा कि शायद काश दो लड़की हो साथ में, तो या दो लड़के हो साथ में, या एक लड़की या एक लड़का हो. सब सत्यवादी मर्द हाँ बोलेंगे. अच्छा, आई थिंक कोई ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जिसको अगर एक कपल या दो लड़की आके कहे कि आज वैम बैम हम तुम्हारे साथ करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई मर्द मना करेगा इस बात के लिए. सो इसी को इनकॉर्पोरेट किया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा सा और कोशिश किया कि बेहतर हम बना सकें. ये सर, ये कल्पना पहले आपके माइंड में आई थी या फिर ये गाने को करके कोई भी प्रोजेक्ट में जनरली लोग जो कहते हैं ना कि शी वॉज द इंस्पिरेशन. यहाँ पे थोड़ा वियर्ड भी होगा, लेकिन आई वुड से दैट कल्पना नहीं है यार. मतलब कुछ ना कुछ कभी कभी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जो आपको लगता है कि दिस शुड बी ऑन सिनेमा. सो वी पुट इट ऑन सिनेमा. और नहीं, एक्चुअली हम लोग काफ़ी कॉन्शियस थे कि हम अगर जो बल्क इवन दो हमने एक थ्रीसम का गाना बनाया है, इसमें कोई ड्रग्स नहीं है, इसमें कोई छल कपट नहीं है, इसमें कोई फोर्स नहीं है. ये कंसेंशुअल मज़ेदार मस्ती वाला यू नो बीइंग एवरीबडी इज़ हैप्पी अबाउट व्हाट दे आर डूइंग. इट्स अ क्लीन थ्रीसम इफ देयर इज एनीथिंग लाइक दैट. What do you think? अरे जब मेरे को तो बताया गया कि मतलब मेरे को रैप लिखना था चार लाइन. मैंने कहा आजकल बहुत रैप ट्रेंड में है, तो गीतल साइड की
यू हैव टू राइट रैप. मैंने कहा नहीं मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. मैंने चार लाइन लिखी, उन्होंने कहा कि नहीं आप और लिखो. मैंने कहा ठीक है. फिर इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि है किस बारे में, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो करी क्या आप कंफर्टेबल हो करने के लिए लिखने के लिए इससे? तो मैंने कहा अब लिख ही दिया तो मैं अब कर ही लेता हूँ फिर ऑब्वियसली. तो इसको फिर वैसे हमने कंटिन्यू किया. देन जागृत और गीतल, इन दोनों ने फिर शैतानी बना दिया मुझे, कहा कि सिंग सिंग लगाओ और ये वो. बहुत बहुत मज़ा था. सेट पे थोड़ा हेक्टिक था बट बहुत मज़ा था. जितनी मेहनत हुई है सारी वसूल है वीडियो के बाद. तो इट्स ऑसम ऑसम. सेट की बात करें, सेट पे कोई ऐसी बात कहीं है लगा कि यार क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से गाना है, कुछ कहीं आपको कुछ लगा जैसे आप? आई थिंक ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जहाँ पे एक थ्रीसम दो सेक्स सीन भी अगर हम शूट कर रहे हैं, फिर भी पूरी यूनिट ना बहुत ही कंफर्टेबल थी, बहुत ही एक फ्रेंडली वाइब थी फिर भी, यू नो. और वो एक मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा अलग सा लगा. मुझे लगा कि अच्छा नहीं, थोड़े लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, लोगों को कुछ अजीब लगेगा, लेकिन एक्चुअली मज़ा आ रहा था यार. सब लोग बहुत ही क्लीन यूनिट थी. हमारे लाइटमैन, हमारी टीम, आप स्पॉट दादा ले लो या किसी को भी ले लो, मेकअप, ड्रेस, सब इतने अच्छे और सपोर्टिव थे कि हम लोगों को एक्चुअली ये शूट करने में मज़ा आया. आई मीन एक्टर्स को तो शायद आया ही होगा. तो यार वो तो थोड़ा वो होता है ना, कवर करके यू नो, थोड़ा जादू ऑफ सिनेमा, जादू ऑफ सिनेमाटोग्राफी. और ऑफ कोर्स टॉपलेस मैं वैसे नहीं हूँ, इट मे लुक इट इज टॉपलेस पर मैं टॉपलेस नहीं हूँ. इसका सबसे मेरे लिए जो अनुभव रहा है ये टॉपलेस शॉट का वाज कि हम एक स्विमिंग पूल में शूट कर रहे हैं और ये स्विमिंग पूल है एक इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, मतलब उस तरफ समंदर है. और जब लो टाइड होती है तो पानी कम से कम 3 किलोमीटर पीछे चला जाता है और वो रास्ता है लोगों के आने जाने का. मुझे अभी भी याद है, मैं चेयर पे खड़ी हूँ और मैं कवर कर रही हूँ खुद को. मैं कह नहीं सकती कि मेरी यूनिट इतनी अच्छी थी ना इस शूट की कि एक सेकंड का डिस्कम्फर्ट मुझे नहीं हुआ. अनकम्फर्टेबल फील होने का मुझे ऐसा लाइफ का फर्स्ट शॉट है ऐसा जो मैंने दिया. वो एक्चुअली गाने का भी फर्स्ट शॉट था जो हमने लिया. तो पहले तो मैं तो ऐसा कवर करके स्विमिंग पूल में उतर गई. अभी मैं जैकेट निकालूं नहीं निकालूं, जैकेट निकाला, मेरी यूनिट इतनी बेहतरीन थी कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैंने कपड़े नहीं पहने या मेरा स्किन दिख रहा है या मैंने कुछ ऐसा किया है जो नॉर्मली नहीं होता है. सो दैट वाज माय आई थिंक उस इस वजह से मैं गीतल को नॉट जस्ट एज एन एक्टर कॉम्प्लीमेंट दूंगा बट इवन एज अ प्रोड्यूसर. के एज अ प्रोड्यूसर एक इतनी अच्छी टीम इकट्ठा करना, एक इतनी अच्छी टीम को साथ में यू नो लाना और उनसे एक फैमिली जैसा फील करवाना इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कोई भी प्रोड्यूसर कर सकता है. एंड आई थिंक थैंक्स गीतल फॉर दैट. Thank you. No, this thanks to you. You guys are my family. ये team ने सिर्फ as a family काम किया है. My entire team, from my DOP to my co-stars to my director to everyone who's helped me make my dream come true. Let's just say I've made a dream of mine come true. I always wanted to become a producer. I got a chance to become a producer producing my own video. जो सोचा नहीं था मैंने. मैं सोची थी कि 40-50 क्रॉस करेंगे तब जाके आराम से, जब नहीं फेस करना है कैमरा तब प्रोड्यूसर बनेंगे. इस म्यूज़िक वीडियो ने मुझे वो मौका दे दिया. जब जागृत ने मुझे वैम बैम के बारे में बताया था तो मैंने इनसे कहा था कि दस से 12 साल पहले, और अगर तब मैंने ये बना लिया होता तो शायद नहीं आती. अच्छा वो अभी बना है इसलिए मैं हूँ इस वीडियो में. तब बना मैं कहाँ था. एंड टू माय सरप्राइज शायद हमारे यूनिट में हम कुछ 4 लोग थे जो मैच्योर्ड है. बाकी पूरी यूनिट इंक्लूडिंग माय डीओपी, माय रैपर, माय कोस्टार, माय सिंगर्स, दे आर ऑल इन देयर 20s, अर्ली 20s. और
अर्ली 20s के बच्चे हमारे लिए साथ ये कर चुके हैं, मतलब दिस इज व्हाट दे आर गिविंग टू अस. माय म्यूजिक कंपोजर इज अ 19 ईयर ओल्ड बॉय हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग दैट इज हिज फर्स्ट एवर डांस नंबर म्यूजिक. अदरवाइज इज ऑलवेज डन वेरी रोमांटिक और मेलोडियस म्यूजिक. उसके लिए ये पहला चैलेंज था उसके लिए भी. मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.